सो गाइस ये है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसका वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे कैपेसिटर काम करता है, कहां का कैपेसिटर का एप्लीकेशन है, कहां का इसका यूजेस है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। कैपेसिटर जिसको कभी कभी कंडेंसर भी कहा जाता है, इसका यूज होता है सीलिंग फैन में या बड़ी बड़ी मोटर्स में या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फिल्ट्रेशन के लिए या डिकपलिंग या कपलिंग के लिए, या हम इसका यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए या एज इसका यूज़ करते हैं बाईपासिंग के लिए, बहुत सी जगह पर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। यानी कैपेसिटर के ऐसा पैसिव कॉम्पोनेंट होता है जिसका यूज़ करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर अपने अंदर कुछ अमाउंट में चार्ज को स्टोर करते हैं। हम कैपेसिटर को कंपेयर कर सकते हैं एक बैटरी के साथ। अब देखिए बैटरी जो है वो चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है बहुत लंबे समय के लिए। यानी बैटरी हम कहें तो बैटरी सिंपली एकदम से चार्ज भी नहीं हो सकती और एकदम से डिस्चार्ज भी नहीं हो सकती, बट कैपेसिटर ये रोल प्ले कर सकता है। कैपेसिटर एकदम से चार्ज भी हो सकता है और एकदम से डिस्चार्ज भी हो सकता है। कुछ भी। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर कैपेसिटर कैसे बनते हैं। तो आप कोई भी कैपेसिटर ले लीजिए, हर कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं और वो दो कंडक्टिव प्लेट्स एक इंसुलेटर के द्वारा सेपरेटेड होती हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल ये कंसीडर किया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स हैं और बीच में कुछ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है या इंसुलेटर है। यह यहाँ पर दिखा रखा है हमने एक सिलेंड्रिकल टाइप कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर दो मेटल की फॉइल्स हैं और बीच में कुछ इंसुलेटर है। कोई भी कैपेसिटर होता है उसमें दो कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं और बीच में कुछ इंसुलेटर होता है। तो इस तरह से बनता है कोई भी कैपेसिटर। अब अगर दोस्तों बात करते हैं कि आखिर कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। वैसे कैपेसिटर बहुत से तरह के होते हैं, उसमें फिक्स टाइप होते हैं या वेरिएबल टाइप्स के भी होते हैं। लेकिन फिक्स टाइप वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, थोड़ा बहुत टॉलरेंस 5 से 20% के बीच में वेरी करता है। लेकिन वेरिएबल टाइप्स में बहुत सारे होते हैं, ट्रिमर या पैडर इस टाइप के। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ मेन टाइप्स के कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पॉलीफिल्म कैपेसिटर जिसको पीएफई भी बोला जाता है आम भाषा में, सिरेमिक कैपेसिटर या सॉलिड कैपेसिटर जो आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर यूज होते हैं, इस टाइप के कैपेसिटर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में कैपेसिटर कैसे काम करते हैं, हाउ कैपेसिटर एक्चुअली वर्क्स। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो कैपेसिटर है उसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, ये कैपेसिटर का काम होता है। लेकिन जो बैटरी होती है वो बैटरी एकदम से ना ही चार्ज होती है और ना ही एकदम से डिस्चार्ज होती है। लेकिन कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज भी हो सकते हैं और इंस्टेंटली डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई एक सर्किट है और सर्किट को मैंने जोड़ रखा है एक बैटरी से। तो जब भी मैं पावर ऑन करूंगा तो जो बैटरी है कि जो पावर है वो सर्किट में जाएगी और सर्किट ऑन हो जाएगा, यानी सर्किट काम करने लगेगा। और इस सर्किट में मैंने यूज़ किया होगा एक कैपेसिटर का। तो अब कभी एक ऐसी कंडीशन में अगर मैं बैटरी को बंद कर देता हूँ, यानी मैं अपनी सप्लाई को कट कर देता हूँ, तब भी मेरा सर्किट कुछ सेकंड के लिए, यानी एक सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए ऑन रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर चार्ज है वो कैपेसिटर जो है वो प्रोवाइड करेगा पूरे सर्किट को पावर ऑफ होने के बाद। तो ये रोल प्ले करता है दोस्तों कैपेसिटर। इसको हम समझते हैं सिंपली एक बहुत अच्छे एग्जांपल से। तो सपोज कीजिए एक पाइपलाइन है और उसमें एक चेक वाल्व लगा हुआ है। तो जब भी आप वाल्व को ओपन करते हैं तो जो आपका पाइप है उससे पानी बाहर आता है। जब आप वाल्व को ओपन करते हैं तभी आपका पानी बाहर आता है। तो इस कंडीशन में जब आप वाल्व ऑन करेंगे तभी आपका पानी बाहर आएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफाई कैसे कीजिए, आपका जो इनलेट पाइप है जिससे पानी आपका आ रहा है और जो आउटपुट वाला पाइप है जिससे आपका पानी जा रहा है, उसके बीच में अगर एक मैं टैंक को लगा देता हूं, तो इससे होगा क्या कि जब जब पानी इसके अंदर भरेगा, यानी जो इनलेट वाला पाइप है जब ये टैंक को भरेगा, तो जो मेरा आउटपुट वाला पाइप में इसमें तो पानी आता ही रहेगा, इसमें से जो पानी है वो तो आता ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी सप्लाई, जो पानी की जो मेन सप्लाई है, उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए कट भी कर देता हूँ ना, तो ये जो आउटपुट वाला पानी है इसका फ्लो एकदम से बंद नहीं होगा, पानी का फ्लो आता रहेगा। कब तक आता रहेगा, जब तक ये मेरा टैंक का जो पानी है वो पूरा खाली नहीं हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट है, सेम इसी तरह से कैपेसिटर काम करता है। जब भी आप सप्लाई से जोड़ते हैं सर्किट को तो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है, और जब भी आप एकदम से सप्लाई को शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं, तब जो कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर चार्ज है वो पूरे सर्किट को प्रोवाइड होता है, हालांकि वो कुछ सेकंड के लिए हो या आधे सेकंड के लिए हो, बट होता है। तो इससे यहाँ पर बहुत अच्छा काम में आता है कैपेसिटर। अब भाई थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। आप कोई भी कैपेसिटर ले लीजिए, उसके अंदर आपको दो प्लेट्स ही मिलेंगे और बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, यानी इंसुलेटर होगा। तो देखिए अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, यानी चार्ज करने का मतलब है कि जब हम उसको बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके अंदर की जो प्लेट्स है, अब देखिए जो प्लेट्स हैं या कोई भी चीज़ है वो हर चीज़ इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती है, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और इस चीज़ को बोला जाता है एक न्यूट्रल बॉडी, यानी वो बॉडी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है।
और जब भी हम बैटरी से जोड़ते हैं कैपेसिटर को, तो बैटरी के अंदर होते हैं दो टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे मैंने अगर कैपेसिटर की प्लेट को जोड़ रखा है, तो प्लेट के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लेट के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो यहाँ पर जो प्लेट है वो क्या हो गई? चार्ज हो गई। और सिमिलरली इसी तरह जो दूसरी वाली प्लेट है जिससे हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है, तो यहाँ पे बैटरी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा? इसके यहाँ पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसका इधर उधर हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? ये वाली प्लेट भी चार्ज हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और इस केस में अगर आप बैटरी को बिल्कुल हटा लेते हैं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैपेसिटर की प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर नहीं जाएंगे। इधर उधर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसके बीच में इंसुलेटर है, इसलिए वो दूसरी प्लेट के पार नहीं जा सकते। तो अब होगा क्या, अगर आप इसी कैपेसिटर को किसी सर्किट के साथ जोड़ते हैं, इसको आप शॉर्ट करते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूर्ति हो जाएगी, दूसरी प्लेट में जाके पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सर्किट में दोस्तों कुछ इसी तरह से काम करता है कैपेसिटर। अब भाई दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का हम कहाँ का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैपेसिटर का यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा है, इसका यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टर और कैपेसिटर ये दोनों पैसिव कंपोनेंट होते हैं। पैसिव यानी जो कुछ सहायता करते हैं। इन दोनों का यूज़ तो आपको मेनली बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखने के लिए मिल ही जाएगा, लगभग सभी में 99% सर्किट्स में आपको रेजिस्टर का और कैपेसिटर का यूज़ आपने देखने को आपको मिलेगा। तो पहला यूज़ की बात करते हैं अगर कैपेसिटर की, तो वो है डीसी ब्लॉकिंग, यानी डीसी को ब्लॉक करना। एम्पलीफायर्स के अंदर हमें डीसी को ब्लॉक करना होता है, तो वहाँ हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, या कैपेसिटर का यूज़ करते हैं हम कैपेसिटर एज ए फिल्टर। जैसा कि जो पावर सप्लाई होती है, हम एसी करंट को जब डीसी में बनाते हैं, तो रेक्टिफायर से जो हम करंट को फिल्टर करते हैं, एसी से डीसी बनाते हैं, तो पूरी तरह डीसी नहीं होता करंट, यानी उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पल्सेस होती हैं, तो उस पल्सेस को रिमूव करने के लिए वहाँ पर हम फिल्ट्रेशन के तौर पर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। या हम यूज़ करते हैं इसका बाईपासिंग के लिए, बाईपास करना, यानी किसी सिग्नल को बाईपास करना, तब हम यूज़ करते हैं। या डिकपलिंग के लिए, एम्पलीफायर्स के अंदर कपलिंग डिकपलिंग करना दो एम्पलीफायर को, वोल्टेज एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर, कपलिंग के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट, एम्पलीफायर के अंदर कपलिंग करना, यानी दो एम्पलीफायर को, यानी एम्पलीफायर के दो स्टेज को कपलिंग करना दो स्टेज को। और लास्ट यूज़ है इसका, वैसे तो और भी यूज़ होते हैं, तो कैपेसिटर एज ए डिस्चार्ज यूनिट भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी कैपेसिटर के बारे में एक रोचक जानकारी, आपको कैसी लगी? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये था कैपेसिटर के बारे में बहुत कुछ, आई होप आपने बहुत कुछ जाना होगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह से अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का नाम है www.informationthikana.com, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए, आर्टिकल्स को पढ़िए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप किसी और टॉपिक का वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और आपने अगर चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, और साइड में एक बेल नोटिफिकेशन बटन होगा उसे भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट मिल जाए आपको सबसे पहले। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।